अपने मालिकों की फितरत से तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। अभी भी एक रास्ता है, कहो तो बताएं। क्या? तुम सरकारी गवाह बन जाओ बस। सही सही बयान दे दो कानून के सामने। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो तुम्हारी सजा कम होगी और दूसरा सरकार को मजबूत गवाह मिलेगा बाबा पहलवान और दिगंबर सिंह के खिलाफ। आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना। बुआ जी और आपकी सेवा में। और दोस्तों, आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पूरे गांव का दिल जीत लिया है। हम स्वागत करते हैं हम सबकी प्यारी दुलारी बेटी, गाँव की आशा दीदी पन्ना और उनके मंगेतर यानी के गुगा गुगी के निर्माता समीर का। आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। नमस्ते। मेरी तरफ से भी। पहली बार आया हूँ यहाँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बता भी दो। क्या? यही कि गांव वाले तुम्हारे रिश्ते को क्या नाम देते हैं? क्या? लंबी सगाई। अरे भैया, गांव वाले पूछना चाहते हैं कि आप लोग शादी कब कर रहे हैं? अरे रहने भी दो मुन्ना। अरे सगाई जितनी लंबी हो ना उतना अच्छा। बिल्कुल बुआ जी, मैं और समीर आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्यों बेरोजगार रहे काजी, बताओ। अरे बुड़बक कहीं का, सगाई एक बुआई की तरह होती है भाई। बीज को उगने में भी समय लगता है ना, ऐसे ही समय देना भी चाहिए भाई, तभी तो प्यार की फसल भी अच्छी उगेगी। हाँ क्यों बुआ जी, आप ही के शब्दों में ई बात। क्या बात बुआ जी, हम कुछ भी नहीं समझे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। मेरा मानना है कि शादी एक बराबरी का रिश्ता है, इसमें उम्र के अलावा लायकी पे भी ध्यान देना चाहिए। जब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाऊंगा और पन्ना घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाएगी, शादी हम तभी करेंगे। और तब तक के लिए लंबी सगाई। अब गिरी चांदनी मुन्ना। लंबी सगाई का एक और फायदा है, दोनों को वक्त मिल जाता है एक दूसरे को समझने का, जानने का, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने का। क्यों, समझ में आया कुछ मुन्ना कि नहीं? हाँ वो समझ में नहीं। मुन्ना भैया, आप लंबी सगाई की बात कर रहे हो, हमने तो ये तय किया हुआ है कि शादी के बाद होगा लंबा हनीमून, कम से कम 3 सालों तक। वाह 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 वाह, ये बात। अरे क्या बात बुआ जी, ये भी हमारी समझ में नहीं आया। पन्ना का कहने का मतलब है कि शादी के कम 3 साल तक हम लोग औलाद पैदा नहीं करेंगे, उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए एक साधन की जरूरत होती है। पन्ना, तुमने क्या कहा था मुझसे? हम हमारी दुनिया में औलाद तभी लाएंगे जब हमें यह पूरा विश्वास हो कि हम उसे अपने से बेहतर जिंदगी दे सकेंगे। हाँ बुआ जी, ये बात तो हम समझ, औलाद को बोझ नहीं बनने देना चाहिए, उनके सपनों को हमें पूरे होने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एक बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में कि हम अपनी बहुत छोटी बेटियों की शादी कर देते हैं और उसके सर पर सवार हो जाते हैं कि 1 साल के अंदर बच्चा पैदा करो। अब इतनी छोटी उम्र में उसका तन और मन मां बनने के लिए तैयार है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। हम जब अपने बच्चे को ही बच्चा पैदा करने के लिए बोलेंगे तो ये कुपोषण को न्योता देना हुआ ना। बिल्कुल बुआ जी, अब तो विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर हट्टा कट्टा बच्चा पैदा करना है तो औरत की उम्र कम से कम 20 साल से ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि उसी उम्र तक उसका शरीर अच्छे से तैयार रहता है और एक अच्छी समझदारी भी बनती है। और नहीं तो क्या भाई, शादी करो तो बिहार पाने का हक तो बनता ही है। इसीलिए कुछ साल प्यार को ही पालो, आखिर जवानी सिर्फ एक बार आती है। भाई बुआ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है,
अच्छा चलो समीर मियां, आप ये बताओ कि तुम्हारे गुगा गुगी के क्या हाल हैं? लोग जानना चाहते हैं। छोटे में बताऊं तो? हाँ छोटे में बताओ। हाँ तो छोटे में बताऊं तो गुगा गुगी है रिश्तों का मनोरंजन। इनका लक्ष्य है लोगों के दिलों को मिलाना और हर दिन को एक त्योहार बनाना। वाह वाह क्या बात कही है तुमने, तो दिल खुश कर दिया। इन लोगों से बात करके मेरा मन भी बहुत खुश हो गया है। हम आप लोगों से भी इजाजत चाहते हैं और अपने श्रोताओं से भी। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आप बस खुशियों के त्योहार मनाते रहिए। क्यों बुआ जी? हाँ इसी बात पर बुआ जी और मुन्ना अब लेंगे सबकी खैर। सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बहन कि बस आप एक ही त्योहार मना सकती हैं, बागी त्योहार, और वो भी हर रोज। पापा जी हम खुद ही परेशान हैं समीर के इस अड़ियल रवैये से। कहा करें, कितना समझाएं, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं है बाबा जी। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? तुम्हारी गरिमा पे ना। जिसकी धाक पूरे गांव में है वही अपनी औलाद के हाथों मजबूर है। बाबा जी घायल शेरनीना कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। हम अपने कर्जदारों से कह दिए हैं कि पन्ना का इज्जत मिट्टी में मिल जाना चाहिए और उसकी लंबी सगाई को हम इतना लंबा खींचेंगे ना कि उस शादी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अरे बेहतर होगा, वरना लोग कहेंगे जो सरपंच अपनी औलाद को नहीं संभाल सकता वो गांव को क्या संभालेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? वही कह रहे हो जो सुन रही हो। अरे ऊपर से खबर आई है, इस गांव में जो सरपंच बनेगा वो महिला होगी। अरे इस पद के लिए महिला आरक्षण घोषित हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी? आप चाहते हैं कि हम? और नहीं तो कौन। अरे अपनी बहन को सरपंच बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे हम। बाबा जी आप इस पर ना जीत हासिल कर लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं दोनों लोग मिल के राज करेंगे। गलत समझ रही है बहन आप, राज तो हम करेंगे, कामकाज तुम करो। बाबा जी आप बेफिक्र रहिए, कार्यवाही तो मैं सख्ती करूंगा। जी जी जरूर। थैंक यू डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा माथुर आप ही के पेशे से हैं, जानते तो होंगे आप। आपने मुझे दो कौड़ी के चोर उचक्कों के साथ बिठा के रखा, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? कमाल करते हैं आप डॉक्टर साहब। ये सवाल तो बेचारे उन चोर उचक्कों का होना चाहिए कि आपके साथ क्यों बिठा के रखा है। चोरों की संगत का असर, आदमी आता है देर रात अपने घर, और आपकी संगत का असर मासूम बेचारा जाता है मर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मीना भंडारी के गर्भपात का ऑपरेशन आपकी क्लिनिक पर हुआ था। देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन कानून तो कहता है ना डॉक्टर साहब, गैर कानूनी गर्भपात संगीन जुर्म है, हत्या के प्रयास का मुकदमा हो सकता है। पर अटेम्प्ट टू मर्डर। कैसा मुकदमा? ना कोई FIR, ना कोई चार्जशीट। बहुत बढ़िया, लगता है कि आपको आपके वकील मित्रों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया है। अच्छा है, इसका मतलब आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे, राइट? एक शब्द भी नहीं। फिर एमएलए साहब को मैं क्या जवाब दूंगा? एमएलए साहब तक तो खबर पहुंच गई और आप जानते हैं नेता को चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है। एमएलए साहब जी, डॉक्टर स्नेहा माथुर ने एमएलए साहब को खबर कर दी इस बारे में, और वो बहुत नाराज है इस मामले को लेकर। क्या होगा उनकी इस मुहिम का? वुमेन एम्पावरमेंट। क्या? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला को शक्ति प्रदान करना, उनके महिमा का गुणगान करना, उनको आदर देना। और आप जानते हैं ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण मुहिम है। बहुत नाराज होंगे इस बात को अगर उन तक सही से खबरें नहीं पहुंची तो। सोच लीजिए। अच्छी बात है, लेकिन इससे हमें क्या? देखिए मैं कानून की नौकरी कर रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछूं
कि क्या मीना भंडारी का गर्भपात का ऑपरेशन आपकी क्लिनिक सुधा में हुआ था या नहीं? देखिए, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। इस लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं। नादान बन रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ये लड़की तो आपको बहुत अच्छे से पहचानती है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, गांव में कई ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। सोच के बोलिए डॉक्टर, बात एमएलए साहब तक पहुँच चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे और ऊपर पहुँच जाइए बात। और वैसे भी माशाल्लाह आपके खिलाफ तो वीडियो भी है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ ये वीडियो फर्जी है। अव्वल दर्जे के जाहिल और मूर्ख आदमी लगते हैं आप मुझे। कौन बेवकूफ होगा जो बाबा पहलवान और दिगंबर जैसे लोगों के लिए अपने आप को बलि का बकरा बनाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मान लीजिए किसी तरीके से मैंने बाबा पहलवान और दिगंबर सिंह का नाम इस केस में घसीट भी लिया तो वो तो नादान बन के निकल जाएंगे। फंसेगा कौन? आप, क्योंकि आपके खिलाफ सारे सबूत भी हैं और वीडियो साक्ष्य भी। वो तो कट लेंगे अपने और कटोगे आप भी, लेकिन बलि के बकरे की तरह, वो भी बिना किसी त्योहार के। समझ रहे हैं ना आप? मुझे धमका रहे हैं? ना, समझा रहा हूं। अपने मालिकों की फितरत से तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। अभी भी एक रास्ता है, कहो तो बताएं। क्या? तुम सरकारी गवाह बन जाओ, बस सही सही बयान दे दो कानून के सामने। इससे दो फायदे होंगे, पहली बात तो तुम्हारी सजा कम होगी और दूसरा सरकार को मजबूत गवाह मिलेगा बाबा पहलवान और दिगंबर सिंह के खिलाफ। मैं सोचूंगा इसके बारे में। सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, फायदे के लिए आपके। इस समय खुद को बचाइए और अपने दुश्मनों को पहचानिए, क्योंकि दोस्त तो आपको मिल ही जाएंगे वक्त पर। अब मैं जा सकता हूँ? दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा। नमस्ते। वैसे तो स्नेहा बहुत अच्छी डॉक्टर है और मुझे गर्व है कि ये मेरी भतीजी भी है और हम साथ मिलकर एक नया खास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है सत्य की अदालत। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और हाँ, रात को गांव में बड़े पर्दे पर देख भी सकते हैं। और सबसे ज्यादा आभार हम डॉक्टर स्नेहा का करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी सोच और मानवता अस्पताल के सहयोग से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर स्नेहा, इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा मुन्ना, एक बात बताओ, बेटा या बेटी ये कैसे होता है? हाँ, ईश्वर की कृपा से। हाँ। वो तो है, पर ये किस बात पर निर्भर करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की? अब ये हमको कैसे पता होगा? मैं बता, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर। जानते हो, एक औरत ने अपने पति पर ये इल्जाम लगाया है कि वो उसे बेटा दे पाने में असमर्थ है। फिर आओ देखते सत्य की अदालत में। ये सही है। तो शुरू करते हैं फास्ट। जज साहब, मेरी क्लाइंट आशा जी अपने पति दुष्यंत जी से डिवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं। किस बिना पर? जज साहब, हमारा मिस्टर दुष्यंत पर इल्जाम है कि वो अपनी पत्नी के साथ बेटा पैदा करने की काबिलियत नहीं रखता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। किस बात पर? मिलॉर्ड, हमारी प्रथा है कि अगर पत्नी बेटा पैदा ना कर सके तो पति उसे छोड़कर दूसरी शादी कर सकता है।
लेकिन आशा जी तो उल्टी गंगा बहाने पे तुली हुई है। जज साहब, ये प्रथा नहीं बल्कि हमारे समाज के मर्दों की असत्य कथा है, और दोषी को कोई हक नहीं बनता कि निर्दोष पर इल्जाम लगाए। ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड, ये सरासर हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। मिस्टर दुष्यंत, इस इल्जाम के बारे में आपको क्या कहना है? मैं कहता हूँ जज साहब, नॉट गिल्टी। अरे भाई, आप तो नॉट गिल्टी ही बोलेंगे, लेकिन बेटा तो मिस्टर दुष्यंत को पैदा करना है, इनकी क्या राय? जज साहब, हम इस इल्जाम को नकारते हैं। किस बिना पर? देखिए जज साहब, किसी भी औरत को अपने पति पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, वरना पतिव्रता जैसे आदर्श का क्या होगा? मिस्टर दुष्यंत, जिस समाज में पत्नीव्रता जैसा कोई तथ्य ना हो, वहां पर जज साहब पतिव्रता के लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये एकदम मनगढ़ंत और बेबुनियाद बात है। जज साहब, बेटा पैदा करना पत्नी का फर्ज है। जज साहब, मैं इस अदालत में ये साबित करके दिखा सकती हूँ कि बेटा पैदा करना केवल पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर। मैं डॉक्टर साहब को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। बुलाइए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अदालत को ये बताइए कि लड़का और लड़की के पैदा होने में क्या फर्क होता है और क्यों? इंसानों में दो तरह के क्रोमोजोम की जोड़ी होते हैं, एक्स और वाई। औरतों में ये जोड़ी सिर्फ एक होती है, एक्स एक्स, लेकिन मर्दों में दोनों एक्स और वाई मौजूद होते हैं। इन्हीं के लेन देन से बेटा और बेटी का फर्क होता है। अगर गर्भ की शुरुआत में अगर मर्द का एक्स क्रोमोजोम औरत के शरीर में प्रवेश कर गया, तो यह औरत के एक्स क्रोमोजोम से मिलके जोड़ी बनाता है एक्स एक्स की, यानी कि मादा, यानी कि अब लड़की पैदा होगी। और अगर मर्द ने औरत को वाई क्रोमोजोम दिया है, तो फिर यह जोड़ी एक्स वाई हो जाएगी, यानी कि नर, यानी कि अब लड़का पैदा होगा। अब जो साहब कोई लाख दुआ कर ले या मन्नत मांग ले, ये लड़का और लड़की जो है ना, ये सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोजोम की देन है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये होता है कि लड़का या लड़की के पैदा होना पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर, राइट? 100%। लड़का होगा या लड़की, इसमें औरत का कोई रोल नहीं है। ये तो हर हाल में मर्द का दिया हुआ एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम ही डिसाइड करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑब्जेक्शन, ये हमारे सेंटीमेंट को ठेस पहुंचा रहे हैं। जज साहब, इंसाफ सबूत मांगता है, ना कि सेंटीमेंट। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। अरे भाई, आप बार बार ऑब्जेक्शन करके मेरे सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको जेल भेज दूं? योर ऑनर, ये तो सरासर नाइंसाफी हो। एग्जैक्टली, हम भी यही दलील दे रहे हैं जज साहब, कि अगर मर्द करे तो समाज, सोसाइटी, संस्कार, लेकिन वही चीज अगर औरत करे तो नाइंसाफ। क्यों? आशा जी, इस मामले में आपका क्या विचार है? योर ऑनर, सच तो ये है कि हम अपने पति से तलाक या डिवोर्स नहीं लेना चाहते। हमारे पति तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बस कभी कभी कुछ बातों को लेकर इनकी अकल पर पर्दा गिर जाता है। पर्दा? साफ साफ बताइए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं योर ऑनर, कि जब कभी कोई औरत बेटा ना दे पाए, तो उसका दुश्मन उसका पति ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान बन जाता है। जबकि साइंस, माने कि विज्ञान भी यही कहती है कि इसमें औरत का कोई दोष नहीं। मिस्टर दुष्यंत, इस बात से तो ये साबित हो गया कि बेटा न होने में आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं। लेकिन जज साहब, हमको ये क्रोमोजोम्स वाली बात नहीं मालूम था। एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, हमको नहीं मालूम था। कैसी बात कर रहे हैं दुष्यंत जी, नहीं मालूम था, ये कैसा जवाब? जज साहब, हम अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहते हैं। क्या? मेरा मतलब है, अगर हमारी पत्नी हमको माफ कर देती है और हमको वापस ले लेती है, तो हम जीवन भर के लिए उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। बोलना ही चाहिए भाई, संस्कार हमारे संबंधों को जोड़ने के लिए है, ना कि तोड़ने के लिए। जो संस्कार संबंध तोड़े, वो संस्कार संस्कार नहीं है, ये एक वहम है, एक पुराना विचार। जी भाई, आज इस केस ने दो दो डाइवोर्स होने से बचा लिया। दो दो डिवोर्स? हाँ हाँ, एक इन दोनों का और एक मिस्टर दुष्यंत और उनकी अकल का। केस डिसमिस।
ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब क्या ऑब्जेक्शन है? एक सेल्फी ले लें। क्यों नहीं? आपने देखा कि लड़का या लड़की का पैदा होना सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। होने वाली औलाद का लिंग सिर्फ मर्द का शुक्राणु तय करता है। इस अज्ञानता के अंधेरे को मिटाना हम सबका कर्तव्य बनता है। ना जाने कितनी सदियों से हमारा समाज इस अज्ञानता का शिकार होता आया है। क्या हम हमारी औरतों से इस गलत फहमी के लिए माफी नहीं मांगेंगे? चलो माफी ना सही, हमें इतना तो कबूल कर लेना चाहिए कि लड़के या लड़की का होना औरत के वश में नहीं, प्रकृति ने ये जिम्मेदारी मर्दों को सौंपी है। और मेरा तो मानना है कि औलाद औलाद होती है, बेटा हो या बेटी, दोनों में बराबर की मात्रा में जिंदगी में कुछ बनने की क्षमता होती है। आप इस बारे में जरूर सोचिए और दूसरों को भी बताइए। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।